अमेज़न वर्षा वन दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वनों में से एक है। आपको यह तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको यहाँ के जानलेवा जानवरों के बारे में पता है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न के सबसे खतरनाक क्रिएचर के बारे में। नंबर 10, इलेक्ट्रिक ईल। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अमेज़न के पानी में मौजूद शॉक देने वाली इलेक्ट्रिक ईल से। ये ईल इतनी ज्यादा खतरनाक तो नहीं होती कि ये किसी इंसान को पूरी तरह मार सके, लेकिन इनका 600 वोल्ट का करंट किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। ये मछलियाँ पानी की गहराई में रहती हैं और अपने शॉक की मदद से शिकार करती हैं। इनके शॉक के कारण ही इन्हें पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी कारण ये किसी भी तरह के कलेक्शन में भी मौजूद नहीं मिलती। इंसानों के लिए इन मछलियों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इन्हें पकड़ने के लिए इनके डिस्चार्ज होने तक का इंतजार करना पड़ता है। नंबर 9, अरापाइमा। 2 मीटर लंबी और लगभग 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन वाली अरापाइमा मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये इंसानों को सीधे तौर पर तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अमेज़न जंगल में मौजूद दूसरे जानवर इससे खौफ जरूर खाते हैं। ये मछलियाँ पानी में तैर भी सकती हैं और हवा में सांस भी ले सकती हैं। अरापाइमा अमेज़न के पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को खाती है और कई बार ये किनारे पर आए जानवरों का भी शिकार कर लेती है। हालांकि अरापाइमा ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी हड्डियों से सुनने वाली मशीनों का निर्माण भी किया जाता है। नंबर 8, मॉस्कीटो। नुकीले दांतों, तेज तर्रार रफ्तार और जानलेवा जहर से भरे जानवरों की लिस्ट में मच्छर क्या कर रहा है? एक सर्वे के अनुसार अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली मौतों का एक बड़ा प्रतिशत डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों के कारण होता है। अमेज़न में आने वाले लोगों को मच्छर कई ऐसी बीमारियां भी दे देते हैं, जिनका पता लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। नंबर 7, साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक। वैसे तो अमेज़न के जंगलों में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन रैटल स्नेक उन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक है और इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी वही है। रैटल स्नेक को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रैटल स्नेक एक बार काट ले तो इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लैटिन अमेरिका में अब तक हुए कुल सभी सर्पघात लगभग 9 से भी ज्यादा प्रतिशत रैटल स्नेक ने किए हैं, जिससे कि आप इसके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेज़न में भी इसका कहर भयानक है। नंबर 6, ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो मकड़ी नहीं जिसे आप आसानी से कुचल दें। ये मकड़ी बड़े से बड़े जानवरों को आसानी से अपने जहर से परेशान कर सकती है। हालांकि ये अपनी हर बाइट में जहर नहीं फेंकती, बल्कि अपनी तीसरी बाइट से ये जहर फेंकना शुरू करती है। ये ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसा माना जाता है कि ये मकड़ी पहली बाइट में जहर छोड़ने की जगह बनाती है। इसके पीछे क्या टेक्निक है, यह पता लगाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन यह पता लगाया जा चुका है कि ये अमेज़न की छठी सबसे खतरनाक प्राणी है। नंबर 5, वाइजन डार्ट फ्रॉग। चलिए आपको मिलवाते हैं अमेज़न के 5वें सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी से।
ये हैं वाइजन डार्ट फ्रॉग। ये नीले रंग के चमकीले मेंढक होते हैं। ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इनका ये रंग इन्हें पेड़ पौधों के बीच छुपने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, क्या आपने अब तक ये सोचा कि इनका नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसानों के ऊपर जहर फेंकने की क्षमता रखते हैं। ये मेंढक लगभग 2 इंच लंबे होते हैं और इनमें इतना जहर होता है कि ये 10 इंसानों को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार दें। इन मेंढकों के जहर पर रिसर्च जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इनके जहर से बहुत ही ज्यादा काम की दवाइयां बनाई जाएंगी। नंबर 4, जगुआर। खाने पीने में परहेज करने वाला जगुआर अमेजन की 87 से भी ज्यादा स्पीसीज को खा जाता है। इन स्पीसीज में हिरण से लेकर चूहे तक शामिल होते हैं। इंसानों का नाम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये यकीनन इसके रास्ते में आने वाले इंसानों को भी नहीं छोड़ेगा। एक वर्षा वन में रहने के कारण जगुआर तैरना भी जानता है, इस कारण ये पानी के प्राणियों को भी नहीं छोड़ता। ये स्वभाव से काफी ज्यादा क्रूर और निर्दयी किस्म के जानवर होते हैं और खाने में ये केवल मांस ही खाते हैं। चीते की तरह ही इन्हें भी बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में गिना जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद जगुआर काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और यह दुख की बात है कि जंगल खत्म होने के कारण जगुआर भी खत्म हो रहे हैं। इनकी रफ्तार, इनकी शिकार करने की आदत और इनके खाने के नखरे इन्हें अमेजन का 4th सबसे खतरनाक जानवर बनाते हैं। नंबर 3, ब्लैक कैमे। अगर मगरमच्छ की कोई दुनिया होती तो ब्लैक कैमे वहाँ का राजा होता। एक समय पर ये प्राणी अमेजन में खत्म हो रहा था, लेकिन इसे बचाने के लिए बनाए गए कानूनों के कारण ये बच गया और आज तक बचा हुआ है। ये मिट्टी के रंग का होता है, इसलिए अपने शिकार का इंतजार करते हुए ये आसानी से छुप जाता है। आम तौर पर इसके शिकार में मछलियां शामिल होती है, जिनमें पिराना जैसी मछलियां भी होती हैं। लेकिन ये हिरणों और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। कई बार तो इसकी लड़ाइयां एनाकोंडा के साथ भी देखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर इसकी शिकार करने की खूबियां इसे अमेजन का 3रा सबसे खतरनाक जानवर बनाती हैं। नंबर 2, एनाकोंडा। एनाकोंडा को कौन नहीं जानता? कितनी तो फिल्में और सीरीज इस पर बन चुकी है। ये अमेजन का सबसे खतरनाक जानवर है, इस पर तो कोई सवाल नहीं कर सकता। एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांप में से एक है। ये लगभग 21 फीट लंबा होता है। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ये जहरीला नहीं होता, लेकिन बुरी खबर ये है कि ये दूसरे तरीकों से भी इंसानों को मार सकता है। ये बिना चबाए अपने शिकार को निगल जाता है ताकि वह सांस भी ना ले पाए और उसके बाद ये अपने शिकार को पचा लेता है। अपने खाने को पचाने के लिए ये लगभग हफ्ते भर का समय लेता है। लेकिन दोस्तों, जब ये भूखा होता है तो इसके सामने कोई सुरक्षित नहीं होता, इंसान तक नहीं। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन अमेज़न में एनाकोंडा का 2रा नंबर है। नंबर 1, पीराना। और मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन अमेज़न की हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है पीराना। समुद्र की सबसे बड़ी राक्षसों में से एक पीराना मछली को अमेज़न में लोगों का सबसे बड़ा काल माना जाता है। दोस्तों, पीराना जितनी खतरनाक बताई जाती है, यह उतनी भी खतरनाक नहीं है। अमेज़न के आसपास रहने वाले आम लोग अक्सर उस पानी को तैरकर पार करते हैं जिस पानी में पीराना रहती है।
पिराना अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा करती है। ये बड़े जानवरों पर और इंसानों पर आम तौर पर हमला नहीं करती, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा भूखी होती हैं, तब ये किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चुकती हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर। पिराना अक्सर आगे से हमला नहीं करती, लेकिन जब उसे पानी में ताज़ा खून की खुशबू आती है, तब वो अपने लंबे और नुकीले दांतों से किसी भी इंसान की चटनी बनाने में भी पीछे नहीं हटती। याद रखिए दोस्तों, अगर आप किसी खुले घाव के साथ पानी में उतरे तो पिराना के प्रकोप से आपको शायद ही कोई बचा पाए। कुल मिलाकर पिराना अमेज़न की सबसे खतरनाक प्राणी है।